नमस्ते दोस्तों, सोल आर्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये डॉक्यूमेंट फोल्डर कैसे सिलते हैं वो देखने जा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है हमारे। और बहुत लोगों ने पाइपिंग कैसे लगाते हैं ये भी मुझे कमेंट किया था, तो आज इस वीडियो में पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा A4 साइज़ का फोल्डर है, और इस तरीके से हम उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है और इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये फोल्डर बनाने के लिए हमें चाहिए 13 इंचेस बाय 20 इंचेस का एक बड़ा पीस, जिसे अंदर से मैंने पेपर कैनवास चिपकाया है, और इस तरह से हमें एक नेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका मेजरमेंट भी 13 इंचेस बाय 10 इंचेस ही है। इसे कैन भी कहा जाता है, और इसके जगह पे आप प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको कहीं भी टेलरिंग मटेरियल की शॉप में भी मिल जाएगा। उसी के साथ हमें चाहिए एक जिप रनर और पाइपिंग के लिए पट्टी। 1 इंच विड्थ की हमें पट्टी लगेगी, और टोटल 47 इंचेस की पट्टी हमें चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस नेट को 13 इंच की साइड पे हमें पाइपिंग लगा के लेनी है। अभी मुझे सीधी पाइपिंग लगानी है, तो मैं सीधी ही ये कट कर रही हूँ। और पाइपिंग की जो विड्थ है वो आपके फैब्रिक के मोटापे पे डिपेंड है, कितना लेयर आपको सीना है उस पे उसकी विड्थ डिपेंड है। तो अभी फिलहाल मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं 1 इंच की ही पाइपिंग यहाँ पे कट कर रही हूँ। ये मैं सीधी ओर से पाइपिंग ऐसे रख रही हूँ और यहाँ पे स्टिच करूंगी। इस तरह से एक साइड हमने अटैच कर दी है। अब यहाँ पे मैं उसे फोल्ड करूंगी, और ये फोल्ड करके फिर एक बार ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सी दूंगी। और ये जोड़ते वक्त ही मैं अब यहाँ पे उसके नीचे यहाँ पे मैं उसे जिप जोड़ दूंगी, तो ये जोड़ते वक्त ही पाइपिंग मेरी जिप पे भी सिलाई आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग ऊपर से सिल दी है, और एक और मेरी ये जिप भी उसे लग गई। अब ये जो हमारा पीस है वो हम इस पीस पे जोड़ेंगे, और ये जो क्लोज साइज है वो मैं इस तरफ रख रही हूँ जिप की ओर, और हम यहाँ चारों ओर से सिलाई करेंगे। साइड की सिलाई करने से पहले हम यहाँ पे रनर डाल देंगे। रनर मैंने डाल दिया है, अब मैं तीनों चारों ओर से उसे ये जो नेट फैब्रिक है वो इस हिस्से पे जोड़ दूंगी। और जो भी एक्स्ट्रा का है वो हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों ओर से जोड़ दिया है। अब हम यहाँ चारों ओर उसे पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के लिए मैंने ये क्रॉस कपड़े में पट्टी कट की है। ये लेयर हमारा ज्यादा मोटा नहीं है, तो 1 इंच की पाइपिंग विड्थ में काफी हो जाएगी, और लंबी हमें ये चारों ओर से
गिन के ये 47 इंचेस की इतनी लंबी पाइपिंग हमें चाहिए। शुरू करते वक्त पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा हम उसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सीना शुरू करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई हमें लेनी है। यहाँ पे 1/2 इंच पहले हम सिलाई रोक देंगे और पूरा इस तरह से पाइपिंग घुमा के हम यहाँ पे अब शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा पीछे हमने रोक दिया है सिलाई करना और मैं आगे अब कर रही हूँ। इसी तरह से चारों कॉर्नर पे हमें करना है। यहां से इस तरह से हमने चारों ओर पाइपिंग जोड़ दी है। अब हम उसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अंदर की तरफ मोड़ने के बाद देखिए इस तरह से आप एक फोल्ड लेके ऊपर इस पे फोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे आप उसे पिंस लगा के सेट कर दीजिए। इस तरह से चारों ओर से हमने पिन लगा के सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। सिर्फ ध्यान रखना है पिन जब आएगी तो उसे निकालते जाना है। तो इस तरह से आपकी पाइपिंग लग जाएगी और पिन की सेट की वजह से यहां से निकलेगी भी नहीं। इस तरह से पाइपिंग लगा के ये फोल्डर हमारा अब रेडी है। दोनों तरफ से हमारी पाइपिंग अच्छी तरह लग गई है। आज का ये वीडियो देख के आपको आइडिया आ गया होगा कि पाइपिंग कैसे लगानी है। तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आप मेरे चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।